क्या देख रहे क्या पता। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। सुबह सुबह 9 बजे मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया था कि आज हम घूमने के लिए जाएंगे किले पे, और उसने कहा था कि मैं नहा के आता हूँ 5 मिनट में, और अभी मैं खड़ा हूँ नाके पे, उसका वेट कर रहा हूँ, और वो आने के बाद हम जाएंगे किले पे। अभी वो आ चुका है, हम पहुँच गए हैं किले पे। हम जा रहे हैं शॉर्ट रस्ते से किले पे, क्योंकि पेट्रोल बहुत ही महंगा हो गया, तो शॉर्ट रस्ते से किला दिखता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं किले पे, और आज शायद यहाँ पे प्रोग्राम है कुछ तो भी खाने का, तो जाते वक्त देखेंगे, अगर मूड हुआ तो ज़रूर खाएंगे। इस किले के 2 मेन गेट है, एक वो साइड में और एक सामने वाला। लोग ये गेट से एंट्री करते हैं जहाँ से मैं अंदर आया हूँ, और इसके बाद ये दूसरा गेट लगता है। इसके बहुत बड़े बड़े 2 गेट हैं। किले की बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर दी है। हर एक महीने के बाद इस किले की इंस्पेक्शन होती है। तो अब मैं सबसे पहले किले की बॉर्डर के ऊपर जाके आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा, और यहाँ पर एक छोटा सा दरगाह है जिसके ऊपर बंदर बैठे हुए हैं बहुत शांति से। तो ये पहले कॉर्नर पे हम खड़े हैं यहाँ पे, और ये मेरे पीछे बैठे हुए आगे रक्षक, उसने झापड़ मारा ना। रह जाएगा अपना वीडियो अर्शिता घर को। और ये यहाँ पे बंदर बैठ कितने मस्त से बैठे हुए शांति से। हाय हेलो, ये देखो क्या शांति से बैठे हैं यहाँ पे। तो मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ ना, ऐसे ही इस किले को 5 कॉर्नर है। सबसे पहले अब मैं यहाँ से आपको बालापुर का एक नज़ारा दिखाऊंगा, उसके बाद हर एक कॉर्नर पे एक एक बारी से लेके जाऊँगा। तो ये जो आपको खाली जगह दिख रही है, टूटी भी नहीं है, यहाँ पे पुराने ज़माने में तोफ लगाया करते थे। ये हमारे बालापुर की महेश नदी, वैसे से सारे लोग महेश नदी बोलते हैं। अरे यहाँ से हमारा छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा बालापुर का नज़ारा ऐसा दिखाई देता है। तो ऐसा है एक कॉर्नर किले का जहाँ से ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है, और अब हम जाएंगे दूसरे कॉर्नर पे। वहाँ से तो आप पूछो ही मत, वहाँ से तो पारस तक की व्यू दिखाई देता है, और आज संडे होने की वजह से किले पे आज ज़्यादा भीड़ नहीं है। दूसरे कॉर्नर पे अभी हम दोनों आए हैं, और यहाँ से सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा पारस की चिमनी, थर्मल पावर प्लांट। तो ये दूसरे कॉर्नर से बालापुर का व्यू, और वो जो पुल आपको दिखाई दे रहा है वो नेशनल हाईवे नंबर 6 का पुल है, और वो जो हाईवे मैंने आपको दिखाया वो नागपुर और मुंबई को जोड़ता है। तो अभी हम आए हैं किले के तीसरे कॉर्नर पे, और यहाँ से भी बहुत ज़बरदस्त नज़ारा दिखाई देता है। डर लगता है यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि हवा बहुत जोरों से शुरू है। हम खड़े हैं दोनों के दोनों जहाँ तोप रखा करते थे पुराने ज़माने के लोग, वहाँ पे। और यहाँ से भी बहुत ज़बरदस्त नज़ारा दिखाई देता है। और ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है, ये है बालापुर की मन नदी। आपको ये जो मेरे पीछे 2 एरिया दिखाई दे रही है, मतलब ये जहाँ से आपको अगर रास्ता दिखाई दे रहा होगा, तो रास्ते से 2 एरिया डिवाइड होते, ये साइड में कसरखेड़ा और ये साइड में। तो वो एरिया का नाम इतना बेहतरीन है कि बोलते हुए मुझे भी हंसी आ रही है, उसका नाम है लेंडीपुरा। जो लेंडीपुरा है वो शरद ग्राम पंचायत में आता है, और ये जो कसरखेड़ा है ये बालापुर नगर पालिका में आता है। ये पूरा का पूरा घने जंगल के टाइप बन चुका था, लेकिन अभी अभी इसका बहुत साफ सफाई की है, इसकी वजह से बहुत क्लीन दिख रहा। फिर आएंगे हम चौथे कॉर्नर पे, और ये चौथे कॉर्नर से हमारा पूरा का पूरा बालापुर दिखाई देता है। जाएंगे अब हम किले के 5वें नंबर के कॉर्नर पे, जहाँ पर 26 जनवरी को फ्लैग होस्टिंग होती है। हम आ चुके हैं अभी 5वें कॉर्नर पे, और ये मेरे पीछे जो आपको पिलर दिखाई दे रहा है, ये है फ्लैग होस्टिंग का पिलर। तो यही था हमारे आज के किले का टूर, आपको लगा कैसे कमेंट में ज़रूर बताइए। आज धूप बहुत ही ज़्यादा लग रही, तो हम फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाएंगे जहाँ से हमने किले की शुरुआत की थी। वहाँ मतलब एक छोटा सा दरगाह है, दरगाह के पास बैठेंगे, और इस किले की थोड़ी सी जानकारी मैं बताऊंगा आपको, जो कि मैंने अभी तक आपको बताई नहीं। तो वहाँ वो फैमिली बैठी है, उन्होंने कहा कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना, तो बंदर लोग बहुत बदमाश होते हैं आपको तो पता ही है।
मोबाइल छीन के भाग जाएंगे मेरा। उनसे मैं थोड़ा अलग जाके बैठता हूँ दूसरे कॉर्नर पे शांति से, और आपको इस किले के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताता हूँ। तो इस किले की शुरुआत आजम शाह ने की थी, जो कि 1721 में की थी, और ख़त्म इस्माइल शाह ने की थी, जो कि 1757 में पूरी हुई थी कंस्ट्रक्शन। तो इस हिसाब से या इस मतलब किसी भी बात की कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ के जो राजा थे वो आजम शाह थे, और कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद यहाँ के राजा इस्माइल शाह हो चुके थे। तो इस हिसाब से दो दो राजा थे इस किले के। और ये जो किला है ना, तो ये किले का पूरा जो कंपाउंड है तकरीबन 1 किलोमीटर का है। हाँ, 900 मीटर से 1 किलोमीटर के आसपास है। तो अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर ही पकड़ लो। तो इतना बड़ा हमारा बालापुर का किला है, जो कि ऐतिहासिक किला है, और यहाँ से खुफिया रास्ते बहुत सारे हैं, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, पर है। एक वीडियो में मैंने आपको छतरी बताई थी, तो वहाँ से भी किले पे आने का खुफिया रास्ता है, लेकिन वो अभी तक किसी को नहीं पता। तो अब हम किले से अलविदा लेते हैं, और यहाँ पर ये पूरी बंदरों की फैमिली है, इनसे भी हम टाटा बाबा सी यू करेंगे। चलो टाटा बाबा सी यू। हमने आपको खाने के लिए कुछ नहीं लाया, एक छोटी सी फैमिली मस्त, उनके छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ बैठे हुए, देखो कितने मस्त तरीके से यहाँ बैठे हैं, क्या देख रहे क्या पता। अभी हम आए किले के थोड़े पीछे की साइड में, और यहाँ पे एक छोटी सी जगह है, और उसको कवर भी किया हुआ है, ये इन्होंने ढक्कन रखा है, और ये छेद है। उसके अंदर मैं कुछ जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है, कुछ निकल जाएगा उसमें से तो भागने के बाद हो जाएंगे हमारे। ये किले का एक छोटा नहीं बहुत बड़ा कुआं, इसकी वॉल कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई हुई है, और एक किले की बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जो कि अभी तक गुप्त है, मतलब उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं, जितना मुझे पता था उतने मैंने आपको बता दिया। फाइनली आज का हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है। आज का वीडियो आपको लगा कैसे कमेंट में ज़रूर बताइए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा। तो थम्बा, तो इस जो ये किला है ना, तो इसका कंपाउंड है पूरा ये जो किला है, तो इसका कंपाउंड है पूरा ये जो कंपाउंड है इसका पूरा जो ये जो किला है इसका कंपाउंड पूरा अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर का है।